हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल प्लांट वर्ल्ड। आज की वीडियो में हम डेलिया प्लांट की सीडलिंग को कैसे लगाना है उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक छोटे सीडलिंग के लिए आप 6 इंचेस तक का ही पॉट साइज सेलेक्ट कीजिए। अगर हम इसको बिगर पॉट साइज में ग्रो करेंगे तो ये अपनी एनर्जी रूट्स को ही डेवलप करने में वेस्ट करेगा। तो हम इसको स्टार्टिंग में स्मॉलर पॉट साइज में लगाएंगे, फिर आफ्टर 1 मंथ इसको बिगर पॉट साइज में शिफ्ट करेंगे। आफ्टर 1 मंथ मैं आपके साथ इसकी रीपॉटिंग की वीडियो भी शेयर करूंगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आऊँ तो आपको सबसे पहले पता चले। आप 6 इंचेस में कोई भी पॉट ले सकते हैं, प्लास्टिक का, सीमेंट या क्ले पॉट। मैंने यहाँ पे क्ले पॉट लिया है। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि पॉट में ड्रेनेज होल बड़ा होना चाहिए ताकि एक्स्ट्रा वाटर ईजली ड्रेन हो जाए। नेक्स्ट, आप इसके ड्रेनेज होल को एक छोटे से स्टोन से कवर कर दीजिए। ये ध्यान में रखिए कि जो ये ऊपर वाला हिस्सा है ये आपकी तरफ होना चाहिए। अब मैं आपको इसका सॉइल मिक्सचर कैसे प्रिपेयर करना है उसके बारे में बताता हूँ। सॉइल मिक्सचर बनाने के लिए आप 50% गार्डन सॉइल, 20% सैंड एंड 30% कंपोस्ट को मिक्स कर लीजिए। कंपोस्ट में आप कोई भी वर्मी कंपोस्ट या काउडंग कंपोस्ट या आप लीफ मोल्ड कुछ भी ले सकते हैं, अपने आपके पास जो अवेलेबल हो। इसके अंदर आप 1/2 स्पून मस्टर्ड के एक पाउडर ऐड कीजिए और 2 स्पून नीम खली। सबको मिक्स करने के बाद आपकी सॉइल मिक्सचर कुछ ऐसी रेडी होगी जो कि पोरस होगी और वेल ड्रेनिंग सॉइल होगी। अब जो हमने सॉइल मिक्सचर को रेडी किया है उसको हम पॉट में फिल कर लेते हैं। सॉइल मिक्सचर वेल ड्रेनिंग होना चाहिए। इसको आप अच्छे से दबा लीजिए ताकि कोई भी एयर गैप ना रहे। सीडलिंग को लगाने के लिए थोड़ा ऐसे स्पेस बना लीजिए। अब मैं आपको एक बहुत ही ज़रूरी बात बताऊंगा। सीडलिंग को निकालते वक्त कभी भी आप उसको ऐसे मत खींचिए। ऐसे खींचेंगे तो इसकी रूट बॉल डैमेज हो सकती है। सीडलिंग निकालने का एक तरीका होता है, आप अपने फिंगर से नीचे की तरफ से इसको ऐसे पुश कीजिए तो ये लूज हो जाएगा। उसके बाद ये आराम से बाहर आ जाएगा। ये देखिए, इसको अब हम सेंटर में प्लेस करके आराम से अच्छे से सॉइल में हल्के हाथों से दबा देंगे। थोड़ा सॉइल और ऐड करके साइड से सॉइल को प्रेस करके इसको अच्छे से सेट कर देंगे। इसके बाद आप इसको थोरली वाटर कर दीजिए। वाटर करने के बाद आप इसको 1-2 दिन के लिए ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पे इसको छन के धूप मिले या जो सेमी शेडेड एरिया हो। 1-2 दिन के बाद आप इसको फुल सन में शिफ्ट कर दीजिए। फ्रेंड्स, इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट टाइम इसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।